मान लो मेरे पास दो बैंक अकाउंट है, एक SBI में एक HDFC में, तो मुझे HDFC से SBI में मनी ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया ऐप है फोन पे, तो आप इसको ओपन कर लीजिए। ओपन करते ही इस तरह का पेज, होम पेज दिखाई देगा, और आपको यहाँ पर देखिए एक टू सेल्फ बोल के एक ऑप्शन है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। और आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, उसके बाद आपको ऐड न्यू बैंक अकाउंट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। और उसको सिलेक्ट करते देखिए आपके सामने बहुत सारे बैंक दिखाई देगा, उसमें से मैं HDFC को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो HDFC बैंक है लिंक हो गया, उसके बाद फिर ऐड न्यू बैंक अकाउंट, तो मैं यहाँ पर अभी SBI को ऐड कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए डन, तो दोनों बैंक अकाउंट मेरा जो फोनपे ऐप में लिंक हो गया है। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, अभी HDFC से SBI में मनी ट्रांसफ़र करने वाला हूँ। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ सेकंड में आपका मनी ट्रांसफ़र हो जाएगा, फंड ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए मैं जो बैंक में ट्रांसफ़र करने वाला हूँ वो बैंक सेलेक्ट करना है, यानी कि मैं SBI में मनी ट्रांसफ़र करने वाला हूँ, ठीक है। तो उसको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर अमाउंट डालना है, जो भी अमाउंट आपको भेजना है। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पर मैं 100 रुपये भेज रहा हूँ अभी। उसके बाद नीचे सेंड ऑप्शन है, उसको सेलेक्ट करना है। और आपको देखिए नीचे और एक बैंक दिखाई दे रहा है जो HDFC का है, मतलब उस बैंक से डेबिट होगा और SBI में क्रेडिट होगा। तो मैं सेंड ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर UPI पिन देना है, जो आप जो फोनपे ऐप बनाते समय आपको क्रिएट करना होता है, ठीक है। और UPI पिन मारते ही आपका जो ट्रांजेक्शन कम्प्लीट हो जाएगा, देखिए एकदम सेकेंड में आपका मनी ट्रांसफर हो जाता है। तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है। दूसरा और भी बहुत सारे ऐप है लेकिन इतना फास्ट काम नहीं करता है, ठीक है। तो चलिए इसके बाद मैं हिस्ट्री में चेक कर लेता हूँ। फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। नीचे एक सब्सक्राइब लिखा हुआ रहेगा, उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर जो ट्रांसफर टू 100 रुपीज और डेबिटेड फ्रॉम HDFC, तो इस तरीके से आप अपना जो मनी फंड ट्रांसफ़र कर सकते हो एक बैंक से दूसरे बैंक में। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।